नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी टाइमलाइनर्स में। सो फ्रेंड, ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी रैंक दिल्ली पॉलिटेक्निक के अंदर 10,000 या फिर इससे ज़्यादा आ गई है। जी हाँ फ्रेंड, बिल्कुल मायूस मत होइए, आपको भी दिल्ली पॉलिटेक्निक के अंदर एडमिशन मिल सकता है अगर अभी तक एडमिशन नहीं मिला है। सो फ्रेंड, सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही काम करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है। और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। सो फ्रेंड, एक बार स्टार्टिंग में आपको रिकॉल कर देना चाहूँगा कि मेरे जिस चैनल पे एक गिव अवे चल रहा है, जो फ्रेंड मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपके साथ शेयर कर रखा है। फ्रेंड एक बार और मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ। फ्रेंड इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। फ्रेंड ये पहला क्राइटेरिया है, आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करोगे, उसके बाद फ्रेंड कमेंट बॉक्स में जाके फ्रेंड चैनल के बारे में कमेंट करोगे, क्या कहते हैं कि आपको वीडियोज़ कैसी लगती हैं, क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है या फिर कुछ कमी है तो फ्रेंड उस कमी को भी आप ज़रूर बताइए। और फ्रेंड क्या कहते हैं, उसके बाद अपना पेटीएम नंबर आपको क्या कहते हैं वहां पे कमेंट बॉक्स में अपना डाल देना है। फ्रेंड उसके बाद क्या कहते हैं, मैं 31 अक्टूबर के बाद एक रैंडमली 3 विनर्स को चुनूंगा और उनको 300 पेटीएम कैश ट्रांसफर करूंगा। सो फ्रेंड आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही काम करने, एक तो क्या कहते हैं चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, उसके बाद कमेंट बॉक्स में जाकर चैनल के बारे में कमेंट करना है और अपना पेटीएम नंबर वहां पर लिख देना है। ठीक है फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे काम जो बिल्कुल भी आपको नहीं करने हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक के अंदर एडमिशन अगर आपको चाहिए, अगर आपकी रैंक 10,000 या फिर इससे ज़्यादा आ चुकी है। तो देखिए फ्रेंड, वो काम जो आपको सबसे पहले नहीं करना है, आपको स्क्रीन पर ये दिख रहा होगा, ये ट्रेड मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल। फ्रेंड आपको इन ट्रेड्स के अंदर अब अप्लाई नहीं करना है। जी हाँ फ्रेंड, जो आपको काम सबसे पहले अब नहीं करना है वो है कि इन ट्रेड्स के अंदर अप्लाई नहीं करना है। फ्रेंड ऐसा क्यों, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहूँगा, अगर आपकी रैंक 10,000 या फिर इससे ज़्यादा आ चुकी है तो फ्रेंड आप बहुत मुश्किल चांस है कि आपको इन ट्रेड्स के अंदर एडमिशन मिलने वाला है। सो फ्रेंड इन ट्रेड्स में अप्लाई नहीं करना है। फ्रेंड इनके अलावा जो मैं आपको ट्रेड्स बताऊँगा इस वीडियो के जो इस वीडियो में आगे मैं आपको जो ट्रेड्स बताऊँगा फ्रेंड, वो ट्रेड्स भी बहुत अच्छी हैं और उनमें भी आपको स्कोप बहुत अच्छा है, तो आपको उन्हीं में अप्लाई करना है। तो देखिए फ्रेंड, पहला काम जो आपको करना है वो इन ट्रेड्स के अंदर आप अप्लाई नहीं करना है। तो देखिए फ्रेंड, आपको जो दूसरा काम जो बिल्कुल भी नहीं करना है अभी तक, जिसकी वजह से आपको एडमिशन अभी तक नहीं मिल पाया अगर आपकी रैंक 10,000 या फिर इससे ज़्यादा आ चुकी है, वो है फ्रेंड मॉर्निंग शिफ्ट। जी हाँ फ्रेंड, अब आपको मॉर्निंग शिफ्ट में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है किसी भी कॉलेज की। सो फ्रेंड देखिए, ये आपको दूसरा काम है जो बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, जो तीसरा काम जो बिल्कुल और बिल्कुल भी नहीं करना है आपको फ्रेंड, ये जो आपको कॉलेजेस देख रहे हैं इनके अंदर अब आप अप्लाई नहीं करना है फ्रेंड, जैसे पूसा इंस्टीट्यूट हो गया, जीबी पंत हो गया, अंबेडकर हो गया और डाइट हो गया। सो फ्रेंड आप सोच रहे होंगे क्या कहते हैं, इनके अंदर अप्लाई नहीं करेंगे तो किसके अंदर करेंगे, तो फ्रेंड वो सारी चीज़ें मैं अभी वीडियो के मैं आपको बताऊँगा, तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा अगर आपको एडमिशन चाहिए दिल्ली पॉलिटेक्निक के अंदर। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि अभी तक चीज़ें बताई मैंने आपको क्या नहीं करना है, अब मैं आपको बताऊंगा आपको कौन सी चीज़ें वो करनी है जिससे वजह से आपको एडमिशन मिल जाएगा दिल्ली पॉलिटेक्निक के अंदर, चाहे आपकी रैंक 10,000 या फिर इससे ज़्यादा आई हो। तो वह पहला आफ्टरनून शिफ्ट। जी हाँ फ्रेंड, अब आपको आफ्टरनून शिफ्ट में अप्लाई करना है, तो मैं बता देना चाहूँगा पूसा और गुरु नानक देव ऐसे कॉलेज हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक के अंदर, गवर्नमेंट कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर आप आफ्टरनून शिफ्ट में अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ फ्रेंड, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहूँगा, जो आफ्टरनून शिफ्ट होती है उसमें स्टूडेंट सोचते हैं क्या कहते हैं इसमें एडमिशन लेना बेकार है, बेकार पढ़ाई होती है, लेकिन नहीं फ्रेंड ऐसा कुछ नहीं होता है, सारी पढ़ाई सेम ही होती है। तो फ्रेंड वहां पे सीटें बहुत सारी बच जाती है, तो फ्रेंड वहां पे आपको एडमिशन मिलने के काफी हद तक चांसेस होते हैं। सो फ्रेंड पहला आपको काम जो करना है वो आफ्टरनून शिफ्ट में अप्लाई करना है। तो देखिए, इसके बाद अब मैं आपसे बात करूंगा कौन सी वो ट्रेड से जिसके अंदर अप्लाई करना है। फ्रेंड इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कौन कौन सी वो ट्रेड है जिनके अंदर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है, तो अब मैं आपको बताऊंगा वो कौन सी ऐसी ट्रेड है जिसके अंदर अगर आपने अप्लाई किया तो आपको पूरे चांसेस है कि एडमिशन मिल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, वो उसमें सबसे पहला नाम आता है वो ट्रेड जिसके अंदर आपको आपको अप्लाई करना है अगर आपकी रैंक 10,000 या फिर इससे ज़्यादा आ चुकी है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, अगर आपको एडमिशन चाहिए तो है केमिकल इंजीनियरिंग। जी हाँ फ्रेंड, ये केमिकल इंजीनियरिंग ट्रेड में आपको बिल्कुल ही अप्लाई करना है और इसमें काफ़ी हद तक चांस है आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसके बाद जो देखिए, जो दूसरी ट्रेड है वो पॉलीमर इंजीनियरिंग है। जी हाँ फ्रेंड, पॉलीमर इंजीनियरिंग में भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद जो देखिए, जो तीसरी ट्रेड है वो मैं आपको बता देना चाहूँगा प्रिंटिंग इंजीनियरिंग है। जी हाँ, इसके अंदर भी अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको काफ़ी तक चांसेस है कि आपको एडमिशन मिलने के काफी चांसेस हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक के अंदर। और फ्रेंड मैं ये भी बता देना चाहूंगा, इसके अलावा भी बहुत सारी ट्रेड्स है जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड ये आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, मैंने फ्रेंड इनके अंदर मार्क कर रखा है। फ्रेंड ये सारी ऐसी ऐसी ट्रेड्स है जिनको आप अप्लाई करोगे तो काफी हद तक चांसेस है कि अगर आपकी रैंक 10,000 या फिर इससे ज्यादा भी आई है तो आपको एडमिशन मिल सकता है।
तो देखिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जो प्रिंटिंग इंजीनियरिंग है पूसा में कराई जाती है, तो पूसा इंस्टीट्यूट में आप प्रिंटिंग इंजीनियरिंग जरूर भरिएगा, और आफ्टरनून शिफ्ट जो फ्रेंड मैंने इस वीडियो के मैं बता रखा है कि आफ्टरनून शिफ्ट में ही आपको अप्लाई करना है। इसके बाद देखिए जो दूसरी केमिकल इंजीनियरिंग है वो गुरु नानक देव इंस्टीट्यूट में कराई जाती है, इसको भी आपको आफ्टरनून शिफ्ट में ही भरना है। इसके बाद देखिए जो पॉलीमर इंजीनियरिंग है वो भी गुरु नानक देव इंस्टीट्यूट में ही कराई जाती है, तो फ्रेंड ये दोनों को आपको आफ्टरनून शिफ्ट में भरना है। और फ्रेंड मैंने जो ट्रेड्स बाकी इसके अलावा भी आपको बताई थी फ्रेंड, वो ट्रेड्स को भी फ्रेंड आपको अलग अलग कॉलेजेस में, जिस कॉलेजेस में है फ्रेंड वहां पे अप्लाई करना। और फ्रेंड कोशिश कीजिएगा कि सारे को आफ्टरनून शिफ्ट में ही भरिए, क्योंकि फ्रेंड वहां पे सीटें खाली होती हैं और वहां पे आपको एडमिशन मिलने के पूरे चांसेस हैं। तो देखिए फ्रेंड इसके बाद आपको जो लास्ट दाव खेलना है, मतलब जो लास्ट चीज़ करनी है, अगर आपको एडमिशन चाहिए, आपकी रैंक अगर 10,000 है फिर इससे ज़्यादा आ चुकी है दिल्ली पॉलिटेक्निक के अंदर, वो है फ्रेंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट। तो फ्रेंड मैं कई बार अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी बहुत अच्छे होते हैं, बस फ्रेंड अगर आप उनकी जो फीस होती है अगर उनको अफोर्ड कर सकते हो तो फ्रेंड उसमें एडमिशन ले सकते हो। सो फ्रेंड अपनी काउंसलिंग की जो लिस्ट होगी ऊपर के साइड, तो जैसा मैंने अभी तक इस वीडियो में आपको बताया बिल्कुल वैसे आफ्टरनून शिफ्ट में, और जो ट्रेड है मैंने बताया गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जरूर भरिएगा, और नीचे के साइड थोड़ा सेफ रहने के लिए आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी कुछ भर सकते हैं। फ्रेंड आपकी स्क्रीन पे प्राइवेट इंस्टीट्यूट दिख रहे होंगे फ्रेंड, छोटू राम है, आदित्य इंस्टीट्यूट है, और उसके बाद क्या कहते हैं फ्रेंड ये गुरु तेग बहादुर, ये भी फ्रेंड काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट होते हैं, तो फ्रेंड इनके अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं नीचे के साइड अपनी कौन जो चॉइस फिलिंग लिस्ट है उसके अंदर, और ऊपर के साइड जैसा इस वीडियो में मैंने बताया बिल्कुल वैसे ही अप्लाई करना। और फ्रेंड यकीन मानिए जो जो स्टेप मैंने इस वीडियो में बताए अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो फ्रेंड आपको एडमिशन मिलने के पूरे चांसेस हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक के अंदर नेक्स्ट काउंसलिंग में, चाहे आपकी रैंक 10,000 या फिर इससे ज़्यादा क्यों ना आ गई हो। सो फ्रेंड इस वीडियो में मैंने आपको पूरी कोशिश की अगर कि मैं आपको बता सकूं कि आप कैसे एडमिशन ले सकते हो दिल्ली पॉलिटेक्निक के अंदर आपकी रैंक अगर ज़्यादा भी आ चुकी है तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी बेनिफिशियरी लगे, मतलब फ्रेंड थोड़ा सा भी अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला हो तो फ्रेंड इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और फ्रेंड चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड आप वीडियोज़ देख के चले जाते हो लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, सो फ्रेंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।